नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हमें सीखना है स्नैप पॉइंट। स्नैप पॉइंट सीखने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है कुछ। दोस्तों, स्नैप पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, स्नैप पॉइंट का क्या उपयोग है, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक लाइन कमांड लेता हूँ। स्नैप पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है एनेबल स्नैप पॉइंट्स। यहाँ से स्नैप पॉइंट जो है वो एनेबल और डिसेबल होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने लाइन कमांड लिया है। दोस्तों, मुझे इसके मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट तक एक लाइन बनाना, लेकिन मुझे मिड पॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो मुझे क्या करना है, लाइन कमांड लेने के बाद अगर मिड पॉइंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हमें चालू कर देना है। मिड पॉइंट यहाँ पर है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट मुझे दिखेगा। यहाँ पर दिख रहा है, देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी मुझे लाइन का मिड पॉइंट दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक। मिड पॉइंट अगर चालू नहीं है तो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट हमें नहीं दिखेगा। जैसे मुझे इस एंड पॉइंट से एक लाइन बनाना, लेकिन एंड पॉइंट यहाँ पर नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे एंड पॉइंट चालू करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना सिर्फ। इसके बाद हमें लाइन का, किसी भी लाइन का एंड पॉइंट दिखेगा। ये लाइन का एंड पॉइंट भी दिखता है और इस लाइन का मिड पॉइंट भी दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मुझे, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाना, तो एंड पॉइंट मुझे चालू रखना पड़ेगा। अगर बंद है तो यहाँ पर एंड पॉइंट पे लाइन जो है वो नहीं बनेगा। यहाँ से हमें एंड पॉइंट चालू कर देना है। इसके बाद एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे और एक क्लिक यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। मान लो कि दोस्तों, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों, ये सर्कल और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मुझे यहाँ से एक लाइन बनाना है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा, तो यहाँ से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चालू कर देना है। और इसके बाद हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हाईलाइट होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ और यहाँ किसी भी जगह पे एक क्लिक। मान लो कि ये सर्कल जो है, ये लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से मुझे एक लाइन बनाना, तो मैं लाइन कमांड लेता हूँ, सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन सेंटर पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा। सर्कल के ऊपर जाता हूँ तो भी सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। यहाँ से अगर हम सेंटर पॉइंट चालू कर देते हैं, आर्क सेंटर, ठीक है ना, इसको चालू कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक लगाए तो भी चलेगा, या फिर सर्कल के ऊपर यहाँ किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं तो भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से ही लाइन बनेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, देखो लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर पॉइंट से ही शुरू होती है, ठीक है। मैं फिर से करता हूँ, इसके ऊपर एक क्लिक, क्लिक करता हूँ तो लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है ना। तो ये था सर्कल का सेंटर पॉइंट, आर्क सेंटर। इसके बाद दोस्तों, मुझे मान लो कि यहाँ क्वाड्रेंट पॉइंट से, या फिर यहाँ क्वाड्रेंट पॉइंट से, यहाँ क्वाड्रेंट पॉइंट से, या फिर यहाँ क्वाड्रेंट पॉइंट से लाइन बनाना है। ये सभी मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ अगर क्वाड्रेंट पॉइंट से लाइन बनाना, लेकिन क्वाड्रेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो यहाँ से हमें क्वाड्रेंट पॉइंट चालू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मैं अगर क्लिक लगाता हूँ तो यहाँ पर देखो, मुझे सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक और फिर यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है पॉइंट ऑन कर्व। पॉइंट ऑन कर्व यानी क्या है, कर्व जो है यानी लाइन है, सर्कल है, आर्क है, जो जो कुछ भी है, तो सर्कल के किसी भी जगह पे अगर क्लिक करना है, किसी भी जगह पे, तो हम पॉइंट ऑन कर्व जो है इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं, स्नैप पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर एक क्लिक कर देते हो, किसी भी जगह पे हमें पॉइंट मिलेगा, देखो किसी भी जगह पे, लाइन के ऊपर भी, किसी भी जगह पे। इसके बाद मान लो कि मुझे यहाँ पर, मैंने स्टूडियो स्प्लाइन बनाया हुआ है, लाइन कमांड लेता हूँ, यहाँ ये सभी पॉइंट मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे इस पॉइंट से लाइन बनाना, लेकिन ये पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा, देखो मैं कर्सर उसके ऊपर ले जाता हूँ, लेकिन पॉइंट जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद ये पॉइंट जो है वो हाईलाइट होगा,
यहां से अगर मुझे यहां तक लाइन बनाना है, यहां से यहां तक लाइन बनाना है, यहां से यहां तक लाइन बनाना है और यहां से यहां तक लाइन बनाना है, तो इसके लिए हमें यहां पर ये चालू रखना है, ठीक है ना। मान लो कि मुझे इस पॉइंट पे क्लिक करना है लेकिन ये पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा, तो यहां से हमें इसको चालू कर देना है, इसको बंद कर देना है, इसको चालू कर देना है, तो यहां पर ये पॉइंट जो है वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे क्लिक, यहां पे क्लिक, फिर यहां पे क्लिक और यहां पर क्लिक। स्टूडियो स्प्लाइन में अगर ये पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा है तो यहां से हमें ये दोनों चालू कर देना है। तो स्नैप पॉइंट का हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। मान लो कि कोई भी पॉइंट आपको हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई भी पॉइंट आपको दिखता नहीं है, तो यहां से आप चालू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।